वेलकम टू रिक्कीज़ रेसिपीज ब्लेसिंग्स ऑफ माय पापा। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले के चिप्स, जो कि बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। आप इन्हें फलहार के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं डेली रूटीन में। बहुत ही जल्दी से ये बन जाते हैं बिना सुखाए। तो इसके लिए हम लेने वाले हैं कच्चे केले। ये मैंने कम से कम 250 से आधा किलो कच्चे केले लिए हैं। आधा किलो कच्चे केले, इनको आप अलग अलग कर लीजिए और फिर इन्हें हम छील लेंगे चाकू की सहायता से। सारे छिलके अलग अलग निकाल दीजिए, केले से अलग कर दीजिए। इससे पहले आप इसको धो ज़रूर लीजिएगा। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे फिर ही यूज़ करेंगे। तो हम एक एक करके केले के छिलके उतार लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम केले के छिलके उतार लेंगे। आराम से ये चाकू से उतर जाते हैं। तो सारे केले के छिलके उतार लेते हैं। ये देखिए, मैंने केले के छिलके उतार लिए हैं। अब इसे हम गोल गोल काट लेते हैं। चाकू से ही काट लीजिए, इसके लिए हमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही बारीक काटिएगा। जैसे हम गोल गोल काट लेते हैं बारीक। सारे केले को आप इसी तरह काट लीजिएगा। ये देखिए मैंने कितने बारीक कट किए हैं, इसी तरह आपको भी बारीक कट करना है। और इसे सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहले से बॉईल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चाहे तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं माइक्रोवेव में। तो ये देखिए, मैंने सारे केले कट कर लिए हैं गोल गोल। अब इसे हम फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल गरम करेंगे। तेज़ फ्लेम पे हमें इसे गरम करना है। आप मूंगफली का तेल ले सकते हैं अगर आप इसे व्रत के लिए यूज़ कर रहे हैं तो, नहीं तो आप घी या तेल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं इसे तलने के लिए। इसे कढ़ाई में तेज़ गैस पे ही डालिएगा जब ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए। उसे चलाते रहिएगा, इसे आप छोड़ देंगे तो ये चिपक जाते हैं, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, इसको चलाते रहना है जिससे ये आपस में चिपके नहीं। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और तब तक इसे हम चलाते ही रहेंगे। इसको अब हम मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं। एक बार कढ़ाई तेज़ गर्म होने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कर दीजिएगा और इसको चलाते रहिएगा। इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये चिपके नहीं आपस में। तो मैं फिर बोल रही हूँ, इसे चलाते रहिएगा, कढ़ाई में छोड़िएगा नहीं, ये क्रंची हो जाते हैं। ये देखिए, एकदम अलग अलग हो गए हैं, हल्के से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, नहीं तो जल जाएंगे। इसे हमें काले नहीं करने हैं, लाइट ब्राउन ही रखने हैं इस तरह से। ये देखिए, एक एक केले का चिप सेपरेट है, लेकिन अगर आप इसे कढ़ाई में छोड़ देंगे, चलाएंगे नहीं, तो ये चिपक जाता है। इसको हम निकाल लेते हैं बाउल में और थोड़े ठंडे होने के बाद इसे हम तुरंत सर्व भी कर सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसानी से जल्दी से बन जाते हैं ये केले के चिप्स। बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और आप इसे घर में बना सकते हैं। आप इसमें काली मिर्च और नमक डालिए और इसे सर्व कीजिए ठंडे होने के बाद।